हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू स्वा नॉलेज। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो मान लीजिए अगर 1990s की बात की जाए, अगर वो उस टाइम पे 50 लोगों को थी तो आज 2020 में 100 लोगों को है। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट डबल हो गई है इसकी पॉपुलेशन, जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, इससे बीमार हैं। अगर आज के टाइम में मैं स्टैट्स देखूँ तो अगर मैं 100 मौतों का अगर एनालिसिस करती हूँ तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि 1/4 इसकी भागीदारी में आता है और 3/4 में नेचुरल डेथ होती हैं, एक्सीडेंट वाले केसेस होते हैं, कैंसर, एड्स और सारे पेशेंट्स होते हैं, और सिर्फ 1/4 है जो सिर्फ और सिर्फ यही लेके आता है पेशेंट्स। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट डिजीज के बारे में। हार्ट से रिलेटेड सारी चीज एक ही छत के नीचे है, हार्ट सर्कुलेटरी जो आपका सिस्टम है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका कारण क्या है कि इसमें इतना ज्यादा बढ़ाव आया है और कंपैरेटिवली, और अगर मान लीजिए पूरे विश्व में अमेरिका टॉप पर है जहां से इसके हार्ट डिजीज के सबसे ज्यादा पेशेंट आते हैं, तो धीरे धीरे पीछे 2025 तक इंडिया टॉप पे पहुंच जाएगा जो सबसे ज्यादा पेशेंट्स देगा हार्ट डिजीज को और जिसमें सबसे ज्यादा मौतें भी होंगी। तो आज ये इसके बारे में बात करते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम कारण के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हम इसके सोल्यूशन पे। चलो ठीक है, बीमार हो गए, बीपी हाई हो गया है या फिर आपको हार्ट अटैक आ रहे हैं, दिक्कतें हो रही हैं, एंजिना का दिक्कत है और दिक्कतें हैं, तो हम इसके कारण के पीछे क्यों बात कर रहे हैं, हम सोल्यूशन पे क्यों नहीं बात कर रहे। तो आप वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसके कारण में ही समाधान है। तो शुरू करते हैं एक कहानी से। तो कहानी ऐसी है कि इटली एक कंट्री है, तो इटली तो खैर नाम नहीं है नया आप लोगों के लिए, हमारी जो सोनिया गांधी जी हैं वो वहीं की हैं। तो यूरोप में इटली एक कंट्री है जहाँ से एक गांव है, गांव टोटली उठ के वो गांव अमेरिका चला गया था, ये बात है आपके 1882 के टाइम की। तो वो गांव वहाँ चला गया, तो गांव को तो आपको कल्चर पता ही है किस तरीके का कल्चर होता है गाँव में। सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, सुबह सारे गाँव के जो आदमी होते हैं वो काम पे जाते हैं, खेतों में जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। जो गांव की लेडीज होती हैं वो घर का काम करती हैं, वो किचन का सारा काम करती हैं, बच्चों का ध्यान देना, परिवार का ध्यान देना, बड़े बुजुर्गों पे ध्यान देना, तो लेडीज वो काम करती हैं। तो यही कल्चर उस गांव का भी था। तो उस गांव में एक कल्चर ये भी था कि जो लोग वहां से वापस काम पे आते थे शाम को, तो शाम को वो सब लोग मिलके पार्टी भी करते थे, तो खूब इंजॉय करते थे। तो खाने के साथ साथ वो हार्ड ड्रिंक भी लेते थे, लिकर्स भी लेते थे। तो ये उनका कल्चर था बेसिकली खाने के साथ लिकर लेने का। तो फिर अब ये सब चल रहा था अच्छे, और ये वो टाइम था जब अमेरिका में हार्ट डिजीज काफी स्पीड से बढ़ रहा था। तो उस गांव में ये दिक्कत नहीं थी, पूरे अमेरिका में सब चीज चल रही है, बट एक वो गांव छूट रहा था जहां पे हार्ट डिजीज नहीं थे लोगों को। तो डॉक्टर्स को थोड़ा अचंभा हुआ कि यार ये ऐसे कैसे छूट गया ये गांव, इस गांव में क्यों नहीं है बीमारियां। तो इस गांव की एक स्टडी की गई, एक रिसर्च की गई, रिसर्च भी वो 10 साल की लंबी रिसर्च थी जिसको अभी रिसेंटली में 50 साल का डेटा उठा के 50 साल के डेटा के ऊपर एनालिसिस किया और उसका जो रिजल्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या रहा। तो अब हम देखते हैं कि अब उनका लाइफस्टाइल सिंपल लाइफस्टाइल है, वो अल्कोहल भी लेते हैं, लिकर भी लेते हैं अपनी डाइट में, और काम भी करते हैं पूरा, और मैनुअल वर्क होता है, मेहनत मजदूरी का काम भी करते हैं, और लेडीज घर में अपना फैमिली देखती हैं। तो ये सब चल रहा था। तो स्टडी में ये ऐसा देखा गया कि 30 साल बाद वहां पे क्या देखा उन लोगों में कि धीरे धीरे बीमारियां आने लगी, हार्ट डिजीज की बीमारियां आने लगी, और 20 साल बाद उनका रेट अमेरिका के रेट को टक्कर देने लगा कि अब वहां पे भी आदमियों को, औरतों को हार्ट डिजीज उतने ही लेवल से हो रहे हैं जिस लेवल से अमेरिका के किसी और गांव में या फिर किसी और कंट्री में हो रहे थे। तो ये तो हो गई पूरी रिसर्च, ये तो रिसर्च का हो गया। इस बात को, इस बात, अगर आप मतलब मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए, आप रिसर्च के एक पब मेड की वेबसाइट है, मैं लिंक अपना डिटेल्स में दूंगी, उस लिंक पे जाके चेक करिए, वहां पे एक पूरा आर्टिकल है प्रॉपर इसके ऊपर।
तो इसका नाम उन्होंने दिया रोजेटो इफेक्ट। क्यों? रोजेटो उस गांव का नाम था बेसिकली, तो रोजेटो इफेक्ट इस चीज को कहा गया। तो अब वहां पे अब इस जब पूरी रिसर्च की, तो रिसर्च के बाद एनालिसिस ये निकला कि पहले क्या था वहां पे, उनका अपने वो लोग अपने वैल्यू से बहुत जुड़े हुए थे, अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए थे। तो जब तक वो जुड़ाव था, जब तक वो अपने कल्चर से जुड़े हुए थे, जब तक कोई टेंशन नहीं थी, आदमी अपना काम कर रहा था, कमा के लेके आ रहा था, फैमिली की लुक आफ्टर कर रही थी उसकी वाइफ, या फिर एक घर में 3 जनरेशन रह रही थी, जिसे हम आज हम नई लैंग्वेज में ज्वाइंट फैमिली का नाम देते हैं। तो एक ही फैमिली में 3 जनरेशन, आपके दादा दादी, मम्मी पापा और आप, तो तीनों जनरेशन जब एक साथ रहती है, एक दूसरे को समझती है, कब किसको गुस्सा आता है नहीं आता, पेशेंस सीखती है, समझती है, हर तरीके के काम सीखती है, तो उनके अंदर हार्ट डिजीज कम मिलते हैं। आप जब व्हेन यू ट्राई टू अंडर, जब आप सबको समझने के, सबको साथ लेके चल के को चलते हैं, तो आपके अंदर हार्ट डिजीज कम होते हैं। अपने कल्चर के साथ आपका जुड़ाव होता है, आप अपने रूट से अगर जुड़े हुए होते हैं, तो आपके अंदर वो डिजीज कम पाए जाते हैं। पर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने शुरू कर दिया अमेरिकनाइजेशन बनना, अमेरिकन्स की तरह बनना। तो जो अब हम इंडिया में भी देख रहे हैं, 2025 में इंडिया के पेशेंट्स दुनिया के पेशेंट्स को टक्कर क्यों देंगे नंबर में, बढ़ावे में? क्योंकि हम भी अमेरिकन्स बनना चाहते हैं। समहाउ डीप डाउन हमारे यहाँ भी आप देखेंगे न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है, जॉइंट फैमिलीज टूटती जा रही हैं। अब छोटी छोटी फैमिलीज अलग रहती हैं। अगर मैं एक छोटा एग्जाम्पल, अपना भी एग्जाम्पल दूं, तो अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, तो बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये होता है, ओके अभी मेरे बच्चे को कौन लेके आएगा स्कूल से, या फिर मैंने उसकी प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए हैं नहीं किए हैं, वो आके खाना खाएगा, कपड़े चेंज करेगा, कैसे कैसी चीज़ें मैनेज होंगी। तो अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये एक्चुअली में एक टाइप का स्ट्रेस है, बट मेरे दिमाग को, मेरे सबकॉन्शियस को पता चल रहा है डीप डाउन ये एक प्रेशर है मेरे ऊपर। तो यही प्रेशर उन लोगों के साथ भी शुरू हुआ। तो जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, उन्होंने कहा कि हम अच्छे स्कूल्स में पढ़ेंगे, हम बड़े शहरों में जाएंगे, अमेरिकन्स की तरह उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, तो वो लोग गए, उनको अच्छे पैकेजेस मिले, अच्छे जॉब ऑफर्स मिले, अब सैलरी अच्छी हो गई। जब सैलरी अच्छी हो गई, तो जब वो वापस अपने माँ बाप के पास आए, तो उनको वो स्टैंडर्ड्स और वो वैल्यूज बहुत छोटी लगने लगी। उनको लगने लगी कि यार ये तो बहुत ही बैकवर्ड है, चलो इनको थोड़ा फॉरवर्ड, इनको थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं, उनको फुली ऑटोमेटिक चीजें अवेलेबल करवाते हैं, उनको पूरी सहूलियत कंफर्ट देते हैं, उनके लिए अच्छे बंगलोज बनाते हैं। तो अब बंगले गांव के अंदर तो नहीं बन पा रहे थे, क्योंकि घर गांव के अंदर तो उनके खुद के घर थे, उन्हें तोड़ना पड़ता, जो बड़े लोग नहीं चाहते थे टूटे। तो उन्होंने गांव के बाहर आना शुरू किया धीरे धीरे। तो धीरे धीरे जहां पहले जिस गांव में वो रहते थे, जहां लॉक भी नहीं लगता था, कोई चोरी चकारी का कोई डर नहीं था, घर के बुजुर्ग सब लोग मिलके रहते थे, अगर बच्चे ने अपने घर में खाना नहीं खाया तो वो पड़ोसी के घर में जाके खाना खा लेता था। अब क्या हो रहा है, वो सब कुछ दूर होता गया। दूर जब बाहर घर बने, वहां पे ताले लगने शुरू हुए, वहां पर टेंशन शुरू हुई कि अगर मान लो बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, तो बड़े बुजुर्गों को लगा कि हमारा ध्यान कौन रखेगा। तो अब धीरे धीरे बैक ऑफ द माइंड ये चीजें रियलाइज नहीं हुई, जब ये धीरे धीरे चीजें आने लगी, तब नोटिस किया गया कि अब उनके भी, उन लोगों में भी हार्ट डिजीज उसी रेट से हो रहा था जिस रेट से पूरे अमेरिका में हो रहा था। तो आज उसी तरीके से इंडिया में भी हार्ट डिजीज उसी लेवल से बढ़ रहा है जिस हिसाब से हम अमेरिका को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक चीज में हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि सही है गलत है, या फिर हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या हमारी जरूरत है या नहीं है, हम बस ब्लाइंडली कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे वो हार्ट डिजीज हमारी सोसाइटी में भी आ रहे हैं, हमारे जानकारों। इस वीडियो का मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन यही था कि मैंने अपनी फैमिलीज में ये होते हुए देखा है कि कैसे लड़कों में और लड़कियों में मैं हार्ट डिजीज देख रही हूँ कि उन कितनी टेंशन है। वो हालांकि वो कहते नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये एक तरीके का टेंशन है, बट ये टेंशन उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली चलता रहता है, जिसके वजह से बीपी से चीजें शुरू होती हैं, या फिर हल्के दर्द से चीजें शुरू होती हैं, धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेती हैं। तो अब समझ में आया आपको कि क्यों मैंने रोजेटो इफेक्ट की बात की, क्यों मैंने इस रिसर्च और कहानी को सुनाया और इस रिसर्च की बात की। वो मैंने सिर्फ इसीलिए की क्योंकि यही एक कारण है,
बहुत बड़ा मोटा कारण जिसकी वजह से हार्ट रेट, हार्ट डिजीज इस इंटेंसिटी से बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब अगर पहले 50 मौतें हो रही थी तो आज 100 मौतें सिर्फ और सिर्फ हार्ट डिजीज की वजह से हो रही हैं। रीजन क्या है? जिस तरीके से हम अपने कल्चर, अपनी वैल्यू, अपने अपनों से दूर हो रहे हैं और अलग रहना पसंद करते हैं, पेशेंस नहीं है, दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंस जिसे हम प्राइवेसी कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए, तो उस प्राइवेसी की कॉस्ट है ये हार्ट डिजीज। तो आजकल जवान लोगों में भी ये चीजें देखी जा रही है। पहले तो अक्सर बूढ़ा बुढ़ापे का लक्षण हुआ करता था, बट आज यंग जनरेशन में भी हार्ट डिजीज आपको मिल रहे हैं। तो आपको समझ में आया क्यों ये रेट बढ़ रहा है इतना? तो आपको समझ में आया कि क्यों मैं कारण के बारे में बात कर रही थी? तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि कारण के बारे में क्यों बात की गई है, क्योंकि इसी कारण में सोल्यूशन है। अगर आप चाहते हैं इसको कंट्रोल करना तो ये अभी भी आपके हाथ में, और आपको जान के खुशी होगी, जान के अच्छा लगेगा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का एजेंडा यही है, योग फॉर हार्ट। तो योग फॉर हार्ट को क्यों लिया गया है? क्योंकि इंडिया, भारत भी देख रहा है कि किस लेवल से हमारे यहाँ के लोग हार्ट डिजीज से ग्रस्त हो रहे हैं। तो फिर आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आप अपनी तरफ से छोटा सा एक स्टेप लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे इस डायरेक्शन में, और समझेंगे इस बात को। गहराई से सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत ही सीरियस इशू है ये आज के टाइम पे। आपको लग नहीं रहा है, पर धीरे धीरे आपके घर के बुजुर्ग, आपके बच्चे भी इसी तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, और उसके साइड में एक बेल आइकन होता है, घंटी का एक सिंबल होता है, उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी मेरी वीडियो की। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत